खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बलिया जिला प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों ने अब बगावती तेवर अपना लिया है। बता दें कि पेपर लीक मामले में तीन पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे बलिया के सैकड़ों पत्रकार और जमकर हंगामा किया। प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे लादकर पत्रकारों की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध भी किया। काली पट्टी बांधकर पत्रकारों ने नगर भ्रमण करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। पत्रकारों ने नगर भ्रमण करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरने पर बैठे और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पत्रकार संगठन ने इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि अंग्रेजी पेपर लीक मामले में बलिया के तीन पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। पत्रकारों से खुद डीएम और डीआईओएस ने मांगा था वायरल प्रश्न पत्र, फिर प्रशासन ने बलिया के तीन पत्रकारों की मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करवा दी थी। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बलिया के अध्यक्ष अनूप हेमकर इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। पूरा देश हाल के घटनाक्रम को लेकर के अवगत हो चुका है। पिछले दिनों बलिया के क्रांतिकारी इतिहास को क्रांतिक करने वाला एक काम हुआ, जब हमारे तीन मीडिया कर्मी साथियों ने अपने समाज के सड़क प्रहरी होने के दायित्व का निर्वहन करते हुए अंग्रेजी इंटरमीडिएट की जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था, परीक्षा के पूर्व आउट हो गया था और उसकी समाचार को प्रमुखता से अपने हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित करने का काम किया। क्रांतिक करने वाली बात यह है कि एक शासन का आदेश आता है कि अगर कोई पत्रकार कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो वह अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में यह मामला लाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बलिया के मामले में एक अलग ही इतिहास रचा गया। हमारे अमर उजाला के एक पत्रकार अजीत ओझा से डीएम और डीआईओ दोनों के द्वारा फोन करके आउट हुए प्रश्न पत्र की प्रति व्हाट्सएप से प्राप्त की गई और उसके बाद प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम अमर उजाला के कार्यालय पहुंची। अजीत ओझा के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि उस कार्यालय में भी तोड़फोड़ किया गया, वहां उपस्थित पत्रकार साथियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद अमर उजाला के ही नगरा के पत्रकार दिग्विजय सिंह और राष्ट्रीय के नगरा के पत्रकार मनोज गुप्ता उनकी भी गिरफ्तारी की गई। तो इस जो पुलिस ने गलत तरीके से हमारे तीन पत्रकार साथियों को गिरफ्तार किया है उसको लेकर के क्रांति के लिए जाने जाने वाले बलिया जिले के पत्रकारों ने कल निर्णय लिया कि हम संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति के बैठक चले पत्रकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और उसी बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में आज बलिया जिले के जिला मुख्यालय से लेकर के तहसील मुख्यालय ग्रामीण अंचल के सारे एक पत्रकार सारे संवाददाता चाहे वो किसी भी समाचार पत्र मीडिया संस्थान प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे डिजिटल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म से हों सभी एकत्र हुए हैं और उन्होंने बलिया के क्रांति मैदान जहाँ से देश की आज़ादी का नारा बुलंद हुआ था उसी क्रांति मैदान से आज चला गया। फिर हम लोग चौक गए, चौक से रेलवे स्टेशन होते हुए बलिया शहर के विभिन्न मार्गों का परिभ्रमण करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में आए हैं और यहाँ हम लोग देंगे प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।